कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इसका डेरिवेशन रहेगा, एक बहुत छोटा सा लेक्चर रहेगा, और ये दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, स्टिल इट वाज आस्क्ड इन बिहार बोर्ड 2023 एग्जामिनेशन फॉर 5 मार्क्स। सो मैंने सोचा इसको कर दिया जाए या डेरिवेशन। सो ये 5 नंबर का डेरिवेशन होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर बना रखा है और एक आउटर सिलेंडर है, यानी दो सिलेंडर यहाँ पे हैं जो कि कोएक्सियल हैं। कोएक्सियल मतलब इन दोनों का जो एक्सिस है एक ही जगह है, ठीक है। तो बाहर वाले सिलेंडर पे मैंने प्लस चार्ज दिया और अंदर वाले पे माइनस चार्ज, ठीक है। अंदर वाले का रेडियस है स्मॉल ए और बाहर वाले का रेडियस है कैपिटल ए, ठीक है। सॉरी, अंदर वाले का रेडियस है स्मॉल ए और बाहर वाले का स्मॉल बी, ठीक है। इस पे क्यू चार्ज दिया गया है तो हम लोग, और इस सिलेंडर का लेंथ है एल। हमें मालूम है कि अगर क्यू चार्ज फैला हुआ हो एल लेंथ पे तो वहां से हम लोग कैसे निकालते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल, और यहां से अगर हम क्यू निकालें तो लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ प्लस से माइनस इस तरह से होगा, और यहाँ पे अगर इस साइड मैंने नहीं बनाया है, इस साइड बनाओगे तो ऐसे निकलेगा, ऐसे आएगा, और इस साइड से ऐसे, ठीक है। अब यहाँ मैं अगर एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, गॉसियन सरफेस, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे मैं अगर एक गॉसियन सरफेस बनाऊं ऐसा, ये फिगर गंदा हो जाएगा बनाने पे, तो यहाँ पे अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊं और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया काटूं, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ निकलेगा डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डी आर, इन दोनों का बीच का एंगल हमको मिल रहा है 180 डिग्री, ई और डी आर के बीच का, ठीक है। अब कैपेसिटेंस का हम बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वी निकालना है पहले, तो वी के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है, ठीक है, ओके। यहाँ से हम कर सकते हैं डी वी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, ये डॉट प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम इंटीग्रेट कर दें इसको, तो पोटेंशियल पूरे सरफेस के लिए निकाल सकते हैं, और कहाँ कहाँ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बी से लेकर ए तक, ठीक है। ये बी से लेकर ए तक अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, वी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी सिलेंडर के कारण, गॉस लॉ में हमने पढ़ा था, यूज ऑफ गॉस लॉ में, किसी सिलेंडर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है ई इक्वल टू लैम्डा बाई 2π ε0 इंटू आर। किसी सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे। तो सिलेंडर से आर डिस्टेंस पे मैंने ये ले लिया लैम्डा बाय 2π ε0 इंटू आर। तो यहाँ पे मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूँ तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और ये पूरे सरफेस के लिए करेंगे तो क्लोज इंटीग्रल a से b तक, ठीक है, a से b तक करना है, और ये हो गया माइनस, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे लिख दूंगा मैं लैम्डा अपॉन 2π ε0 इंटू आर, और ये हो जाएगा डी आर, और ये हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये e डी आर cos थीटा, और ये माइनस, उसी को मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब देखिए cos थीटा, थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है, तो अगले स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, वी इक्वल टू माइनस क्लोज इंटीग्रल ए टू बी लैम्डा बाय 2π ε0 आर और डी आर cos 180 डिग्री। cos 180 होता है माइनस वन, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह का कि v इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, एक काम करते हैं हम लोग, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल, तो लैम्डा बाय 2π ε0 कांस्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको बाहर निकाल लिया, और अब ये बचा a से b, और यहाँ पे बचा है 1r इंटू डी आर, ठीक है, क्योंकि cos 180 माइनस 1 होता है, और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है। अब v इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाय 2π ε0, और इसका इंटीग्रेशन 1r विथ रिस्पेक्ट टू डी आर, इसका इंटीग्रेशन होगा log r, क्योंकि 1x dx के रेस्पेक्ट में होता है log x, तो ये हो जाएगा log r, और बेस है e, b से a से b तक, ठीक है।
अब लिमिट्स रखेंगे तो ये हो जाएगा वी इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग डी माइनस लॉग ए। ठीक, तो लॉग डी माइनस लॉग ए क्या होता है? ठीक है, लॉग बी माइनस लॉग ए क्या होता है वो देखेंगे। देखो वी इक्वल टू हो जाएगा लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम बाई, तो ये हो जाएगा लॉग बी बाय ए। ठीक है, ये निकल गया मेरा वी। अब वो जो बेसिक फॉर्मूला था शुरू में क्या था, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे। C इक्वल टू क्यू मैंने निकाल के रखा है पहले ही, लेमडा इंटू एल, तो यहाँ पे मैंने लिखा लेमडा इंटू एल और बटे में वी के जगह पे ये रखा मैंने लेमडा इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वी के जगह पे, और ये हो जाएगा, अच्छा लेमडा बटे में है ये, यहाँ लिख देता हूँ मैं। C इक्वल टू क्यू के जगह पे मैं लिख दूंगा लैम्डा इंटू एल, तो ये हो गया लैम्डा इंटू एल और बटे में वी के जगह पे ये पूरा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाय ए और ये बेस ई। ठीक है, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हुआ और ये जाएगा ऊपर, तो सी बन गया मेरा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाय लॉग बी बाय। So this is the capacitance of a cylindrical capacitor. ये derivation रहता है और 5 marks का रहता है। पिछले साल 2023 में ये 5 marks के लिए पूछा गया था। So this is how you have to derive. सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे बाहर वाले पे प्लस लो, अंदर वाले पे माइनस लो, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका रेडियस है ए, इसका रेडियस है बी, तो तुमको ए से बी तक इंटीग्रेट कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के कारण या इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण होता है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, सी इक्वल टू क्यू बाई वी, और यहाँ पे लगाया मैंने ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, और यहाँ से वी निकाल लिया मैंने। सो वी निकाल के बेसिक फॉर्मूले में रख दिया तो ये मेरा आ गया, तो सी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाय लॉग बी बाई ए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिराइव द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आज के क्लास में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।